नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज कोलायत ब्लॉक के खाकुसुर गांव में ड्राई राशन व हाइजीन किट वितरण किए गए। कार्यक्रम अधिकारी फतेह सिंह ने बताया कि यह किट कोविड 19 से पीड़ित परिवारों को एक माह का राशन दिया जा रहा है। कहा कि ये किट ऐसे परिवारों को दी जा रही है जिनका व्यवसाय इस महामारी में बंद हो गया हो या फिर रोज के लिए चला गया हो। निशक्तजन व विधवा महिलाओं को दी जा रही है। संस्थान के मोहन जी ने कहा कि इस किट में पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा गया। पौष्टिक आहार लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए पौष्टिक आहार दिया गया जो इस महामारी में उपयोगी होगा। SBVM किशन सिंह भाटी ने कहा कि इस किट में आटा, चावल, सोयाबीन, बड़ी गुड, नमक, चीनी, तेल, राजमा, प्रोटीन पाउडर, बेसन, सैनिटरी नैपकिन, साबुन व मास्क दिए जा रहे हैं जो रोजमर्रा काम आने वाली चीजें हैं। साथ ही सरपंच नत्थू राम सुथार ने प्लान इंडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारी पंचायत में 50 परिवारों को ये राशन किट दिया गया, यह इन जरूरतमंद परिवारों में काफी मददगार साबित होगा। साथ ही आज के कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विनोद कंवर, मनोज कंवर, आशा सहयोगनी मनोहर देवी ने सहयोग किया। ANM राम भतेरी ने कोविड वैक्सीन की जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है, वैक्सीन का कोई दुष्परिणाम नहीं है, वैक्सीन लेने से कोविड का खतरा कम हो जाता है।